मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उर्दू एक ऐसी जुबान जो हमारे देश की मिट्टी से जुड़ी हुई है। उर्दू भाषा मगर अब धीरे धीरे कम होते जा रही है। उर्दू भाषा को जिंदा रखने के लिए अब किताब मेले के जरिए लोगों को उर्दू की जानकारी दी जा रही है ताकि लोग उस मीठी जुबान उर्दू को कभी ना भूल पाए। मुमरा में उर्दू अदब किताब मेले का आयोजन किया गया है। ये मेला 5 जनवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि इस उर्दू अदब किताब मेले का उद्घाटन आज हुआ है। मुमरा रेलवे स्टेशन एम गेट से एक रैली निकाली गई। इस रैली में लगभग मुमरा शहर के हर स्कूल के बच्चे शामिल हुए। इस दौरान स्कूली बच्चों ने उर्दू जुबान को बढ़ावा देने के लिए स्कूली बच्चे कोई अब्दुल कलाम आजाद तो कोई झांसी की रानी सभी अपनी अपनी अलग अलग वेशभूषा में नजर आए जो रैली में आकर्षण का केंद्र रहे। रैली एमएम वाली स्टेडियम पहुंची जहां उर्दू अदब किताब मेला लगा हुआ है। अबू हासिम आजमी और जहीर काजी के हाथों इस किताब मेले का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के बाद एक कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने दिल खुश कर देने वाला एक प्रदर्शन किया और जिसने भी ये प्रदर्शन देखा वो झूम उठा। उर्दू अदब किताब मेले के ऑर्गेनाइजर इम्तियाज खलील हैं। इस कार्यक्रम में आमदार और कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवहाट और अबू हाशिम आजमी, जहीर काजी, शमीम खान ऐसे तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। जितेंद्र अवहाट ने बच्चों को उर्दू के साथ साथ मराठी भाषा पर भी ध्यान देने के लिए कहा है। भविष्य में उर्दू के साथ साथ मराठी भी बहुत जरूरी है। स्कूली बच्चों ने इस मेले में पहुंचकर किताबें भी खरीदी। अबू हाशिम आजमी और जितेंद्र अवहाट ने भी इस उर्दू अदब मेले में किताबें ली। बड़ी फख्र की बात है कि इस शहर में उर्दू से बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस शहर की नुमाइंदगी अगर करता हूँ तो अलीगढ़ के बाद उर्दू का ये एक प्रमुख केंद्र बन जाए। आने वाले दिनों में एक कल्चरल सेंटर बन रहा है। मुझे लगता है कि उर्दू की हर वो किताब जो दुनिया में है वो किताब यहाँ पे आनी चाहिए। लोगों ने सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, ये उर्दू जो टोपी लगा के और दाढ़ी लगा के लोग मुसलमान बना देते हैं ये उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है। ये उर्दू इस भारत के मिट्टी की भाषा है, ये भारत में जन्मी भाषा है। गंगा जैन जमुना की तहजीब जिसको आप कहते हो अगर वो तहजीब आपको देखनी है तो आपको उर्दू भाषा में मिलती है। मुझे लगता है उसकी पहचान दुनिया में सबसे खूबसूरत प्यार की भाषा, उसमें जो लहजा है उसमें जो मिठास है उस यानी वो शक्कर से भी ज़्यादा अगर मिट्टी कोई है तो वो उर्दू है। मुझे लगता है इस भाषा को बढ़ाने में हमारा अहम भूमिका होनी चाहिए, मुमरा की होनी चाहिए। मुमरा में मैं चाहता हूँ कि बच्चे मराठी भी पढ़े। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ उर्दू पढ़िए, उर्दू के साथ साथ ज़्यादा आप मराठी पढ़िए क्योंकि वो ज़िंदगी को संवारने वाली है। लेकिन ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत अगर ज़बान पर हो तो आपको उर्दू आनी चाहिए। ये हम यहाँ पर आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, जिससे बच्चों को तरक्की मिले, हमारी स्कूल तरक्की पे जाए। हमेशा सादिया स्कूल, हमारे सर, हमारे टीचर, हमारा सबका नाम रोशन हो। और यह बहुत अच्छा है कि मुमरा में पहली बार ऐसा मेला लगा है हर साल, जिससे हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी ली और हमें बहुत मज़ा है। हमें हमेशा इंशाल्लाह यहाँ पर ऐसा मेला हर साल लगना चाहिए। हम जितेंद्र के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर आए और हमारे नाम रोशन करें। और हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि मुमरा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमेशा भाई खल्ला या फिर भवंडी या फिर गोड़ी में ऐसा रहता है। हम सब चाहते हैं कि यहाँ पर आए और बच्चों को तरक्की मिले, जिनको हमने यहाँ पर ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी देखी जो हमने कभी देखी नहीं थी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमने नॉलेज हासिल करी जो हमें जिस बच्चे यहाँ पे जितने भी है हर साल आए और आपकी किताब पढ़े। इंशाल्लाह हमेशा हर साल ऐसा मेला लगना चाहिए कि बच्चों को नॉलेज मिले और हमारी स्कूल इंशाल्लाह सादिया स्कूल तरक्की पे जाए, हमारे टीचर, हमारे सर, सबका नाम रोशन हो इंशाल्लाह। देखिए, बुनियादी तौर पे 20 साल पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक विजन दिया था, विजन 2020। हमने सोचा कि विजन 2020 के उस विजन को उर्दू से जोड़ा जाए और विजन 2020 के 2020 का जो पहला दिन है उसकी पहली सुबह जो है उर्दू के नाम मानवन की जाए। इसीलिए यहाँ पे उर्दू किताब मेला जो किसी सरकारी मदद के बगैर और मुमरा के जो मुखय्यरीन जो है उनके तआवुन से हो रहा है,
उसका पहला दिन हमने कारवान उर्दू रखा और इस कारवान उर्दू में 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर मुमरा की उर्दू मीडियम स्कूलों के बच्चे और दीगर मोहब्बान उर्दू ने यह साबित किया कि 2020 का जो विजन है उसका आगाज़ उर्दू से होगा। माशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने नारे लगाए उर्दू के, जो लोग कहते हैं कि ज़बान ख़त्म हो रही है, सिमट रही है, वो आकर के देख लें कि 2020 में उर्दू के बच्चे किस तरीके से सड़कों पे उर्दू के गुण गा रहे हैं और किस तरीके से वो उर्दू का कारवान आगे लेकर के चल रहे हैं। 5 दिन अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम होंगे। हम चाहते हैं कि वेल बिगन इज़ आफ्टन के उसमें प्रोग्राम बहुत अच्छा शुरू हुआ। मुमरा और उसके अतराफ के लोग अगर आ करके उर्दू की किताबें ख़रीदते हैं और 5 दिन के बाद जब आप हमसे बात करें, हमसे सवाल करें कि ये मेला कैसा रहा, तो उसकी सच्ची कामयाबी की बात, उसकी सच्ची कामयाबी की नवेद हम आपको दें कि उर्दू का मेला बेपनाह कामयाब रहा। जिस तरीके से आज के सदर उर्दू किताब मेले के हमारे लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने आकर के इसका उद्घाटन किया, अबू आसिम आजमी साहब तशरीफ़ लाए, आज ये उर्दू किताब मेला मुमरा कोसा का ऐतिहासिक किताब मेला है। मैंने अनवर भाई यहाँ से लेकर के मैंने मालेगांव, धुलिया, औरंगाबाद ऐसे बहुत सारे शहरों में उर्दू किताब मेला देखा, लेकिन यहाँ का जो ऑर्गेनाइज है और जो यहाँ का सिस्टम मैंने देखा वाकई में वो काबिले तारीफ़ है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो शहर के लोग हैं, हमारे साथी, हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, हमारे बुज़ुर्ग इस उर्दू किताब मेले में आकर के आप तशरीफ़ लाएँ और आकर के आप मुमरा का नाम रोशन करें, आके यहाँ से किताबें खरीदें, उन किताबों में क्या लिखा है, हमें क्या ज़रूरत है, हमारे देश के लिए हमें क्या सोचना है, हमारे इस्लाम के लिए हमें क्या सोचना है, हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए हमें क्या करना है, आप यहाँ आएँ, आकर के किताबों को खरीदें। 237 स्कूलों ने सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि उर्दू अदब मेले की आज से शुरुआत हुई है और ये 5 जनवरी तक रहेगा। आपको इस मेले में लगभग हर वो किताब मिलेगी जिसकी आपको तलाश है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।